एवरीवन, कैसे आप सब फ्रेंड्स। कच्ची कैरी चिन्नी स्टाइल में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कच्चा आम ले लिया है। कच्चे आम को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब वॉश करने के बाद आपको इसको काटना होगा ऊपर से, और इस बात का ध्यान रखिए आपको मोटा काटना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी उनके लिए जिनको कच्चा आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी बनाइए, खाइए चटपटा स्पाइसी, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और आप इस तरह से काट लीजिएगा इसको 3 में, और इसकी जो ये गुठलियाँ हैं इसको निकाल देना है आपको। इस तरह से काटना है आपका, बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन निकलेगी। अब इसमें से आपको पीसीस कर दे रहे हैं, लंबी लंबी स्लाइस काटनी है आपको। मैं इसमें से 3 स्लाइसिस काटूंगी फ्रेंड्स। अगर आपको और भी ज़्यादा पतला चाहिए तो आप और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। मैं इसमें से 3 ही स्लाइस निकालने वाली हूँ। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए लेके आई जाए, ताकि आप भी मज़े से बनाएं कच्ची कैरी छिन्ने स्टाइल में और खाएं। तो इस तरह से आपको काटना है बिल्कुल पतला पतला, जितना पतला होगा उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। इस तरह की आपको डिज़ाइन निकालनी है, इस तरह की शेप निकालनी है। तो मैं जितनी भी मैंने इसकी स्लाइसिस निकाली सब में ऐसी डिज़ाइन निकाल लूँगी। देख लीजिए, मैंने ये कर दिया है, इसको काट दिया है और साइड में इसको अप कर देंगे, रख दिया है। अब एक बाउल लेना है, उसमें रेड चिली पाउडर डालना है आपको। रेड चिली पाउडर के साथ आप थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, और रेड चिली पाउडर को आपको मिक्स कर देना है अच्छे से, ताकि दोनों मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मैंने मिक्स कर दी है, देख लीजिए, आप लोग भी ऐसे मिक्स कर लेना। दोनों लेना है आपको, ये रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। अब एक जो काटा हुआ आम है उसको पूरे रेड चिली पाउडर और सॉल्ट वाले इसमें मिक्स कर दीजिए, अच्छे से इसमें भर दीजिए, ताकि अंदर तक भर जाए। इस तरह से आपको भरना है, ताकि ये अंदर से भर जाए। देख लीजिए, ये अंदर से भर चुका है, इस तरह से ही आपको भरना है। अब जल्दी से जितनी भी हैं हमारे पास आम कच्चे कैरियाँ, उसको भर लेते हैं। सारी कच्ची कैरियाँ फ्रेंड्स मैंने भर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।